हमारे चैनल बढ़िया खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ इमली का पानी। सामग्री: भिगोई हुई इमली, गुड़, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, नमक। एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम इमली। इसे गर्म पानी में आधा घंटे भिगो कर रखा था। इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद इमली का इस तरह पेस्ट बन जाएगा। इसे हम निकाल लेंगे। गैस ऑन कर लेंगे, उस पर एक पैन रख के गरम कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है, गैस की आंच स्लो रखेंगे। इसमें हम पिसा हुआ इमली का पल्प डालेंगे। इस पल्प में हम 75 ग्राम गुड़ डालेंगे। इसे हमने छुरी से काट लिया है। मिक्स करेंगे। गुड़ मेल्ट होने लगा है। इसमें हम पानी डालेंगे, जितना जरूरी हो उतना ही पानी डालिए। आपको अगर पल्प गाढ़ा रखना हो तो कम पानी डालिए। पतला रखना हो तो ज़्यादा पानी डालिए। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस मिश्रण को हम उबाला आने तक पकाएंगे। इसे ढककर पकाएंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, इसे देख लेते हैं। पानी उबलने लगा है। इसे अच्छा उबाला आना चाहिए। उबाला आने पर इमली पक जाएंगी। पानी उबल चुका है। इस वक्त इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई छोटा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसे हम देख लेते हैं। सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इमली का पानी तैयार है। इस पानी को अगर आप इतना पतला रखना चाहते हैं तो गैस फ्लेम बंद कर दीजिए, और अगर गाढ़ा रखना है तो थोड़ा और पकाइए। इस गुड़ इमली के पानी को हम ठंडा करके इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस इमली के पानी को हम भेलपूरी, पानी पूरी, चाट, पैटिस, भजिया आदि के साथ खा सकते हैं। बढ़िया गुड़ इमली का पानी तैयार है।